नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल M2M4U में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि मैं बैटरी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो यहां दोस्तों ये वीडियो मेरा है बैटरी को कि बाइक में बैटरी हम कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज बैटरी इन अ बाइक। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं मेरे यमा बाइक में बैटरी पुराना हो गए थे, डाउन हो गया था, तो उसे मुझे बहुत दिनों से चेंज करना था, तो मैंने नया बैटरी ख़रीद के लाया और आज मैं मिस्त्री के पास लेके आया हूँ, मैकेनिक के पास, इसको चेंज करवाने के लिए। तो ये मैं घर में भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैं खुद से अगर चेंज करता तो मैं वीडियो बना नहीं पाता, इसलिए मैंने मेरे घर के पास ही में एक मैकेनिक है, उसी के पास लेके आया हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये पुराना बैटरी है और ये 5L की बैटरी है। बैटरी भी दोस्तों बहुत तरह की होती है, अगर आप परचेज़ करने जाओगे दुकान में तो आपसे पूछा जाएगा आपका किस गाड़ी की बैटरी है और वो कितने की, 5L 4L कितने की है। तो ये मेरे जो यमा 125 सीसी की बाइक है सेल्यूटो, इसमें मेरी 5L बैटरी थी, इसलिए मैंने 5L बैटरी ख़रीद के लाया हूँ। तो आप चेंज करने से पहले देख सकते हैं ये जो वायर रहती है, इसमें जो सॉकेट रहता है, इसको अच्छी तरह से रस्टिंग पेपर लेके इसको पहले अच्छा से रगड़ लेना है, ताकि इसमें बहुत सारे बैटरी में लगे लगे वाइट वाइट कलर के आप देखे होंगे बैटरी में, जब भी ज़्यादा दिन तक लगा वाइट वाइट कलर के, उसमें क्या है कि करंट सही से पहुंच नहीं पाता है, तो इसीलिए अच्छे से पहले इसको रस्टिंग को हटा लें, उसके बाद ही आप नए बैटरी को वहाँ पे फिर से हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिक पहले बहुत ही अच्छी तरह से उसको साफ कर रहे हैं, पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करने के बाद ही वहाँ पे नया बैटरी को लगाएंगे, उसके सॉकेट को वहाँ ये करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो बैटरी ख़रीद के लाया है ये एमरन की बैटरी है, ये मुझे 3 साल की वारंटी दी है इसमें। इस बैटरी का दोस्तों मेरा जो कॉस्ट पड़ा है, ये प्रिंट रेट था 1450 का, 1400 समथिंग था, तो मुझे ये दुकानदार ने 1150 में दी है। अगर आप होलसेल से उठाते हैं बैटरी तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, वरना अगर हम ये छोटा मोटा रिटेल केमिस्ट से लेते हैं तो ये बैटरी मुझे अभी 1400 या 1300 देना पड़ता उसका। तो मैंने इसे जहाँ होलसेल दुकान रहता वहाँ से परचेज़ करके लाया था और अपने मैकेनिक से चेंज करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, साइज़ में भी बिल्कुल सेम था, इसलिए मेरा वहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है ये बिल्कुल ही उसी साइज़ का है, उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो पहले इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा, सॉरी दोस्तों, बोले तो मैकेनिक कनेक्ट कर ले रहा है, प्लस माइनस का साइन बना रहता है। और ये जो बैटरी है दोस्तों मेरा, ये ड्राई बैटरी है आजकल, अब लेटेस्ट में ये ड्राई बैटरी, पहले क्या था कि बैटरी जितना भी था उसमें पानी भरना पड़ता था, अगर डिस्चार्ज हो जाता था तो फिर से हम लोग उसमें पानी भरते, आजकल अब ये ड्राई बैटरी उससे भी अच्छा आया है। इसमें क्या कि आपको पानी भरने का ज़रूरत नहीं है, ये जितना दिन चलेगा और अच्छा ही चलता है ये। मैंने दुकानदार से बात किया था, दुकानदार ने बताया कि ड्राई बैटरी आजकल हर जगह चल रही है और ये आपका अच्छा 3 साल तक तो आराम से चलेगी, इसमें ना पानी डालने का ज़रूरत है आपको, ना कभी चार्ज करने का ज़रूरत है। ये ड्राई बैटरी बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या है कि रस्टिंग भी लगने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि पानी उसमें रहता नहीं है, तो क्या होता है कि बाइक जब चलता है तो ऊपर से हल्का हल्का पानी निकलता है, उसी से रस्ट पड़ जाता है। तो इसमें ड्राई बैटरी में तो वाटर है नहीं, तो इसमें रस्ट भी लगने का बहुत कम चांस है। तो बैटरी मैंने फिट कर दिया है, देखिए अब मेरा गाड़ी का हॉर्न भी बज रहा है बिना स्टार्ट किए हुए, इंडिकेटर लाइट सब कुछ चेक कर ले रहा है। ये दोस्तों फ़ायदे है बैटरी रहने का कि इंडिकेटर हॉर्न स्टार्ट होने में, ट्रैफिक में अगर आप फंस जाते हो, तो मुझे बहुत दिन से ज़रूरत था दोस्तों, आज मैंने परचेज किया। अब देखिए मैं सेल्फ से बाइक भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा बाइक सेल्फ से बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी है।
मेरा फ्लैश लाइट भी देख सकते हैं आगे का डिस्प्ले, फास्ट लाइट जल रही है, मैंने हर जगह चेक कर लिया। ये बैक लाइट में शायद कुछ प्रॉब्लम है, मेरी जल नहीं रही है, बैक इंडिकेटर जलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक इंडिकेटर जला के। मिस्त्री जी थोड़ा, हाँ देखिए ये बैक इंडिकेटर लेफ्ट साइड जल रही है, हॉर्न भी बहुत अच्छी मेरे हॉर्न।